वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो है उत्तराखंड सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 जनवरी 2024 को उत्तराखंड सेट एग्जामिनेशन हुआ और ये सेट एग्जामिनेशन 6 साल के बाद हुआ। और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, वो चीज़ अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जब भी हम पेपर दे के आते हैं तो हमें आंसर की चाहिए। आंसर की के साथ साथ हमें ये भी पता हो कि हमारा सेफ स्कोर है या नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाली हूँ कि इस पेपर का एग्जामिनेशन का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या रहने वाली है और किस तरीके से अब आपको कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि 6 साल के बाद एक एग्जामिनेशन होता है तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो बहुत कम मायने रखती है। ज्यादा चीजें क्या इफेक्ट डालती हैं, जो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो होते हैं पेपर का लेवल कैसा है, अवेयरनेस कितनी है, कितने बच्चों ने इस एग्जामिनेशन के लिए अपियर किया है एंड कितना आपका एज पर दिस पेपर अभी स्कोर बन रहा है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसका स्कोर बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, या बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके गए थे और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन है आउट ऑफ 150 सही किए, तो ये चीजें भी इफेक्ट डालती हैं। तो वही सारी चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आयुषी आज आपके लिए इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। जो भी बच्चे कॉमर्स के हैं ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 5 बजे हमारी क्लासेस रहती है रेगुलरली। एंड आपके लिए अभी MPPSC के लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है। लास्ट 15 डेज में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हमारी जो कॉमर्स पेपर 2 है हमारा, उसमें बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जेरफेड एप्लीकेशन को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और नेट और सेट एस्पिरेंट हो, CSIR एग्जामिनेशन भी देते हो UGC नेट के साथ साथ, तो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जेरफेड एप्लीकेशन। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जेरफेड ऑफिशियल, जहाँ पे आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाती है एंड बहुत सारी चीजें जो आपके बेनिफिट के लिए होती है वो शेयर की जाती है। साथ ही साथ आपको क्या क्या मिलता है, फ्री कंटेंट जेरफेड एप्लीकेशन पे, क्लासेस, PDFs, क्विजेस, फ्री टेस्ट एंड ब्लॉग सेक्शन में आपको मिलता है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है। आपको अवेयरनेस होती है कि किस तरीके से मुझे आगे चलना है। साथ ही साथ काउंसलिंग सेशन होते हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फॉर UGC नेट एग्जामिनेशन। साथ ही साथ नेट एग्जामिनेशन के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती है इस एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ। साथ ही साथ जून 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो नेट एग्जामिनेशन के लिए, डेडिकेटेडली बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ। पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट 8 पेपर 2 आपको मिलते हैं। कॉमर्स वहां पे मैं टीच करती हूँ, पेपर 1 में मैथ्स एंड DI पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स में आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, अपडेटेड सिलेबस मिलेगा सारा, साथ ही साथ PDFs मिलती है, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक मिलती है, हार्ड कॉपी एंड क्रैश कोर्स आपको मिलता है जो रिवीजन कोर्स होता है। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं विद हैंडबुक, आप केवल पेपर 2 वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं। PDFs आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलती है। एटम 2.0 बैच के फीचर्स क्या क्या हैं जो एटम 2.0 को खास बनाते हैं, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, टू द पॉइंट चीजें और बहुत इफेक्टिव वे में आपको समझाया जाता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज कोर्सेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फन वे ऑफ टीचिंग, क्विजेस, कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं, साथ ही साथ हम पूरा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी कवर करते हैं। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सभी चीजें आपको कवर करवाई जाती है सभी यूनिट्स में। स्टेप वाइज आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और एनरोलमेंट ले सकते हैं। काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो फ्री काउंसलिंग भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, तो फ्री काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। एटम 2.0 में लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये फीस है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं बैचेस में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कट ऑफ पे बहुत फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूं कि लास्ट टाइम जो 6 साल पहले पेपर हुआ था उसका जो पेपर का लेवल था वो पेपर इजी था, ठीक है, जो हमारा 2017-18 में अगर हम बात करें हुआ था। बट अभी जो पेपर हुआ ये पेपर मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सेट एग्जामिनेशन एंड एज कम्पेयर टू सेट एग्जामिनेशन, ये पेपर काफी अच्छे लेवल का पेपर हमारे पास था। तो 2024 वाला पेपर बहुत अच्छा पेपर है जो हमें यहाँ पे देखने को मिला एंड इसमें पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो देखने को मिले थे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि बिल्कुल बहुत आसानी से ये पेपर है जो हो जाने वाला था, नहीं, बहुत चीजें जो कंसेप्ट वाइज आपसे पूछी गई थी वो सारी चीजें थी, ठीक है,
एनालिटिकल पेपर था, थोड़ा सा एडवांस चीजें भी यहाँ पे पूछी गई थी जो अभी तक नेट एग्जामिनेशन में भी देखने को नहीं मिली है, वो चीजें भी थी कुछ, ठीक है। तो पेपर वॉज वेरी वेरी गुड। तो आपके लिए अब यहाँ पे समझना ही जरूरी है कि आपका पेपर तो बहुत अच्छे लेवल का था, क्या कट ऑफ पे असर पड़ने वाला है? तो मैं आपको ये चीज बोलूंगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कट ऑफ हाई जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है, ट्रिमेंडसली लो जाएगी तो ऐसा भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। कट ऑफ आपकी एक सही रेंज में रहने वाली है। मैं आपको बोलूंगी अगर आप यूअर कैटेगरी से हैं तो 60% अगर आप स्कोर कर रहे हो तो यू आर इन अ सेफ जोन, ठीक है। आप बिल्कुल सेफ हैं, आप उत्तराखंड सेट एग्जामिनेशन जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। और ये चीज एक और मैं बता देती हूँ, डिपेंड करती है आपकी सब्जेक्ट वाइज। मैं ज्यादा चीजें बता सकती हूँ कॉमर्स के एस्पेक्ट में क्योंकि मैंने कॉमर्स का पेपर एनालाइज किया, तो उसके बेसिस पे मैं ये चीज ज्यादा बोल रही हूँ। बाकी पेपर्स मैं एनालाइज नहीं कर सकती, बट पेपर वन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अच्छा पेपर था। पेपर टू कॉमर्स अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा पेपर था। तो इफ यू आर स्कोरिंग 60% तो यू आर इन अ सेफ जोन, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना है। अगर सिलेक्शन कम बच्चों की होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा हाई स्कोर होगा, बट अगर 6% जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है कि 6% सिलेक्शन होता है तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो 60% अबव अगर आप स्कोर कर रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है। और एक और चीज मैं बताऊंगी कि अगर आप ये सोचो कि 60% से ही हो जाएगा तो नहीं, 60 to 62% आप लेके चलो, ठीक है, 60 से 62% की रेंज। बट मैं ये बोल रही हूँ हाँ सेफ जोन है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल 58 वाले का भी हो जाएगा, वो मेरे को नहीं लगता 58% वाले स्टूडेंट का नहीं होगा, ठीक है, यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ। बट ये 60+ में आपका जो पेपर है वो निकल जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा था। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग 1-2%, 3-4% जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्कोर है वो रहने वाला है। तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप 180+ स्कोर कर रहे हो तो यू आर इन अ सेफ जोन, ठीक है। अगर आप 200 तक जा रहे हो, मैंने पेपर सॉल्व करवाए आप देख सकते हो, तो 200 तक अगर आपका स्कोर है तो बिल्कुल आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत आप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 23 सब्जेक्ट्स में पेपर हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और जिन भी सब्जेक्ट्स में हुआ है तो वो पेपर जरूर दिया होगा, जिन्होंने उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि सेट एग्जामिनेशन अब हुआ है तो जरूर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जामिनेशन होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से तैयारी करने में लग जाओ अगर आपको लगता है कि आप इस जोन में आ रहे हो, आप सेफ जोन में हैं। एंड अगर आप नेट देना चाहते हो तो अभी से ही नेट की तैयारी में लग जाओ क्योंकि नेट एग्जामिनेशन अब बहुत ईजी एग्जामिनेशन नहीं है। जून में नेट एग्जामिनेशन होने वाला है एंड आपको बहुत अपॉर्चुनिटी 2024 में देखने को मिलने वाली है क्योंकि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन हैं जो आ रहे हैं। अभी आरपीएससी होगा, एमपीपीएससी होने वाला है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो रहा है। एचपीएससी की भी नोटिफिकेशन है जो बहुत जल्द आने वाली है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन पाइपलाइन में है और भी बाकी स्टेट्स के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशन हैं वो होंगे, ठीक है। जहाँ पे भी सेट एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। ये थोड़ा सा एक मेरे को जो भी मैंने एनालाइज किया वो चीज़ मैंने बताई, और अगर मैंने जब मैंने खुद पेपर सॉल्व किया तो मेरे से भी ऐसा नहीं था कि मैंने 100 से 100 क्वेश्चन बना लिए थे, कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी हुए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बन पाए। तो इसी बेसिस पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि कट ऑफ इतने रहने के चांसेस हैं, ठीक है। बट असली चीज हमें तभी पता चलेगी जब फाइनल आंसर की हमारे पास आ जाएगी। तो वेट करते हैं आंसर की का, ठीक है। चैलेंज हम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है जो मैंने सॉल्व करवाया है या आंसर की में कुछ अलग आंसर है तो जरूर आप बताना, ठीक है, उसको हम चैलेंज भी करेंगे। बट अभी फिलहाल आप अगर देखना चाहें कि आपका सेफ स्कोर कितना है तो इस स्कोर को आप लेके चल सकते हैं। इतना अगर आप 180, 185 इतना स्कोर कर रहे हो तो इट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। तो ये चीज आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कल से एमपीपीएससी के लिए कर रहे हैं बैच स्टार्ट, तो एमपीपीएससी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और जो सिर्फ नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है क्योंकि सिलेबस हमारा सेम होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता लगेगा कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ते रहो। एंड बिल्कुल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो कर लो क्योंकि बहुत कुछ अमेजिंग आपके लिए है। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, एंड बहुत कुछ आने वाले समय में अमेजिंग और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए आने वाला है जो मैं ये श्योरिटी देती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वो चीजें आपके लिए लेके आई जाती है, बहुत मेहनत करके आपके लिए क्लासेस डिजाइन की जाती हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर कर दो सभी के साथ, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।